खेत की तैयारी के बाद दूसरे चरण में हम बीज का चुनाव और उपचार करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि रहर की खेती के लिए बीज का चुनाव एवं उपचार कैसे करते हैं। खेत में बीज को लगाने से पहले बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका निदान हम लोग बीज उपचार से ही कर सकते हैं। जैसे कि उकठा एक बीमारी है जिसका इलाज हम लोग ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करके कर सकते हैं। और हाँ, सघनीकरण या सीढ़ी विधि से रहर की खेती करने के लिए उन प्रजातियों का चयन करना चाहिए जो कि बगल से फैलने वाली हो और ऊंचाई में भी थोड़ी ऊंची हो और 7 से 8 महीने में पकने वाली हो। अब बात समझ में आई ना कि बीज का उपचार क्यों जरूरी है। अरे लगता है उधर दीदी लोग बीज का उपचार कर रही हैं। आइए हम भी देखते हैं। सबसे पहले अपने खेत के हिसाब से बीजों की मात्रा तय कर लो। 15 डिसमिल जमीन के लिए लगभग 75 ग्राम बीज की जरूरत होगी। फिर बीज उपचार करने के लिए हमें एक दिन पहले बीजों को 8-10 घंटा के लिए पानी में भिगो देना चाहिए। इस बीजामृत को इन बीजों पर धीरे धीरे छिड़किए जिससे कि भींग जाए। इसे हम अब छायेदार जगह में आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। बीजामृत से उपचार करने के बाद इसका उपचार हम राइजोबियम से करेंगे। 1 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ मिलाकर उबालना चाहिए। फिर जब वह ठंडा हो जाए 1 ग्राम राइजोबियम मिलाते हैं, लगभग 1 चुटकी। हम अब इस बीज को इस घोल में आधे घंटे के लिए डाल के छोड़ देंगे। इसे हम जूट के बोरे में निकाल देंगे और सूखने के लिए 1 घंटे छायेदार जगह में रख देंगे। सबसे अंत में इसे हम ट्राइकोडर्मा से उपचारित करेंगे। 75 ग्राम बीज के लिए 1 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाएंगे। इस ट्राइकोडर्मा को हम धीरे धीरे बीज में छिड़क देंगे। इसको भी मिलाने के बाद कुछ देर छोड़ना है क्या? हाँ बिल्कुल। अगर आप ट्राइकोडर्मा से बीज उपचारित करते हैं तो उकठा नामक बीमारी नहीं होती। हाँ, और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, इसका उपचार जूट के बोरे पर ही करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि 24 घंटे के लिए जूट के बोरे में बांध कर रख देंगे जिससे कि अंकुरण हो जाए। अगर बोरा जूट का रहेगा तो अधिक समय तक नमी बनी रहेगी और अंकुरण जल्दी होगी। और ध्यान रहे कि बीच बीच में जूट के बोरे पर पानी छिड़काव करते रहे ताकि अधिक समय तक नमी बनी रहे। हाँ दीदी, इस बात पे तो दम है। अंकुर होने के बाद सीधे खेत में डालना है ना दीदी? हाँ दीदी। वैसे बीजों को उपचारित करके खेत में लगाने के अलावा एक और तरीका भी है, जानना चाहेंगे आप? आइए देखते हैं। दूसरी विधि में रहर की खेती पौध तैयार करके की जाती है। इसके लिए 7 या 9 इंच के पॉलीथीन बैग में गोबर या केंचुआ खाद एवं मिट्टी के बराबर मिश्रण में ट्राइकोडर्मा मिलाकर पॉलीथीन बैग में भरते हैं। जितना किलो मिश्रण है लगभग उतने ही ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाना है, जैसे 100 किलो के मिश्रण में 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाएं। पॉलीथीन बैग को ऊपर तक भरें और उसे ऐसी जगह पर रखें जहां जल जमाव न हो। उसके बाद 1 से 1.5 इंच की गहराई पर अलग अलग जगहों पर 2 उपचारित बीज लगाएं। बीज लगाने के बाद पॉलीथीन बैग को पुआल से ढक दें और जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर नमी बनाए रखें। 5 से 7 दिनों के बाद पुआल हटा दें और 20 से 25 दिनों के बाद तैयार स्वस्थ पौधों को ही पॉलीथीन हटाकर खेत में लगाने के लिए प्रयोग करें। इन दोनों विधियों में एक समानता है, विधि चाहे जो भी हो, बीज का उपचार करके लगाना बहुत जरूरी है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन उपचारित बीजों को खेत में कैसे लगाते हैं।